सब्सक्राइब कीजिए E24 के YouTube चैनल को। हर ताजा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकॉन। सीरियल ये है मोहब्बत में आज हो रहा है हाई वोल्टेज हॉस्पिटल ड्रामा। पूरा भल्ला परिवार आज हॉस्पिटल में पहुंच गया है। राघव की बेटी अनन्या की जान खतरे में है और इशिता को हो रही है जबरदस्त टेंशन। भाई अब आप ये सोच रहे होंगे कि इशिता इतनी टेंशन में क्यों है भला। दरअसल इशिता की टेंशन की वजह कोई और नहीं बल्कि रमन भल्ला है। जी हाँ, रमन भल्ला, क्योंकि इस बार रमन पर लगा है हत्या की कोशिश और किडनैपिंग का इल्जाम। अरे अपना नाटक तुम बंद करो इंस्पेक्टर साहब, ये वही इंसान है जिसने अपनी बीवी के साथ में मिलकर के बच्ची को जहर दिया। प्लीज सब आप सब बाहर जाकर अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए, प्लीज यहाँ आवाज नहीं कर सकते, प्लीज। रमन पर इल्जाम लगा है राघव की बेटी को किडनैप करने और उसे जहर देने का आरोप। इसी वजह से पूरा भल्ला परिवार है जबरदस्त टेंशन में। वैसे आपको बता दे कि रमन पर आई इस नई मुसीबत की वजह कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना दुश्मन परम है। ये सब परम की सोची समझी चाल का किया धरा है। देखिए है ना, चाल अगर फेल नहीं होगी तो फिर अगली बार चाल चलने का मौका कैसे मिलेगा। तो इस बार चाल परम ने चली है पूरी तरीके से रमन और इशिता को फंसाने की। उसने दिखाया कि भाई वो बच्ची जो है राघव की, उसको जहर दिया है रमन ने, उसकी बीवी जो है उसको किडनैप किया है रमन ने, ये सब कुछ मैंने रमन के ऊपर डाल दिया है। तो वो अभी फिलहाल उस चंगुल में फंसा हुआ है। परम, इस बार आपने रमन को बुरी तरह फंसा दिया है। इस बार तो इशिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही, यानी पूरी तैयारी कर ली है आपने भल्ला परिवार की प्रॉपर्टी हत्याने की। करना ही है ना, वो तो आप लोग पहले से जानते हैं, मैं तो आया हूँ इस घर में सब कुछ हड़पने के लिए। तो बस आप इंतजार करिए कब सब कुछ मेरे नाम होता है, सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, सारा बैंक बैलेंस। परम, हमने सुना है कि इस हॉस्पिटल ड्रामा से पहले आपके और रमन के बीच जबरदस्त फाइट भी होगी। हाँ, इस बार लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि उनको लगा कि मैं किसी को जान से मारने चाह रहा हूँ। वो मुझे ढूंढते ढूंढते आए और एक सामने आ गए। मैंने उनके ऊपर बंदूक तान दी और उस चक्कर में उनको वहाँ से भागना था, कहीं और पहुँचना था, मैंने जाने नहीं दिया। तो हमारे बीच में मुठभेड़ हुई और इस बार मैं मार नहीं खाया, इस बार बराबर की लड़ाई हुई। पुलिस आ गई है और सारे सबूत रमन के खिलाफ हैं। इस बार तो परम पूरी तैयारी की है आपने रमन को फंसाने की। पुलिस को लेकर परम इसलिए आया ताकि वो चाहता है कि पुलिस रमन को गिरफ्तार करे इससे पहले कि रमन मेरे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन करे। मैंने खुद उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करी, इसलिए पुलिस आई हुई है। आपस में उनकी बहसबाजी चल रही है, अभी देखते हैं पुलिस इसको गिरफ्तार करते जाती है। वह परम जो चाहता है कहीं ना कहीं वो होता नजर आ रहा है। तान्या का केस सॉल्व हुआ तो ये नए केस में फंस गए हैं रमन भल्ला। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट E24।